तो मैं हम सुल्तानपुर के केशव कुमार इंटर कॉलेज के पास खड़े हैं, जहाँ पर आज छठवें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदान में तीन प्रत्याशी दमदारी से लड़ रहे हैं, भाजपा से मेनका गांधी, सपा से राम गोपाल निषाद और बसपा से उदय राज वर्मा। इन तीनों प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा आज बंद होने वाला है और इसी के साथ आप देख रहे हैं कितनी जागरूकता के साथ लोग पहले मतदान करने के लिए सुबह के क्रम में भारी संख्या में आए हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए हुए हैं, पहले मतदान और बाद में जलपान के नारे के साथ लोग सुबह सुबह जो है बूथों पर इकट्ठा होकर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय हम 38 लोकसभा विधानसभा के क्षेत्र के किसौली विधानसभा क्षेत्र के मालपुर सैनी प्राथमिक विद्यालय के पास खड़े हैं और यहाँ पर सुबह से ही जो है वोटरों का हुजूम जुमला हुआ है और अभी तक यहाँ कतार टूटने का नाम नहीं लिया। आइए जानते हैं कि जनता किस मुद्दे पर यहाँ वोट कर रही है। सुनील कुमार, सुनील जी, आप किन मुद्दों को लेकर के यहाँ वोट कर रहे हैं? विकास विकास के लिए हमारा वोट। क्या देखते हैं मेनका गांधी ने किस तरह से विकास किया आपके लिए? क्या किया मेनका गांधी ने किया है और सांसदों की अपेक्षा हमारे यहाँ मेनका गांधी ने काम किया है। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट कर रहे हैं? विकास। आपको क्या लगता है कि आपके जो क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ? अब इस समय हमारे बीच एक माता जी बैठी हुई है भीषण गर्मी के बीच में, 80 साल की बुजुर्ग महिला है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस मुद्दों को लेकर के यहाँ वोट करने आई। माता जी, आपने वोट दे दिया? किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया? आप किस मुद्दों को लेकर के आपने वोट दिया? अच्छा, अपना से आप ना दे पाए हुआ जो ना तो हर लड़का जो ना वो 30 है कटवा दे। का सोच के आ रहू दादी, का सोच के कटवा दे आ रहे हो? तो आपने देखा कि इस भीषण गर्मी में माता जी जो है बुजुर्ग महिला है और ये जो है भीषण गर्मी के बीच में मतदान के लिए उत्साहित होकर के अपना वोट देने आई थी। इसी के साथ साथ मैं जितेंद्र प्रताप सिंह कैमरामैन राहुल के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से सुल्तानपुर से। आज यही सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग भारी मात्रा में हमारे सारे वोटर्स अपने घर से निकलें और अपने मतदान ज़रूर करें और हमारे सभी बूथ पर हमने अच्छी पानी की शेड की व्यवस्था कराई है। मैं यहाँ जनपदवासियों से और आपके माध्यम से भी मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि भारी मात्रा में कृपया आज आप लोग वोट देने के लिए अवश्य सामने आएँ। हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लोग अपने घर से ज़रूर आएँ और हमारे सारे वोटर्स जागरूक हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा स्वीप की एक्टिविटीज़ की हैं तो मैं बस यही आशा कर सकती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लोग आएंगे और शाम तक हमें अच्छे आंकड़े मिलेंगे। बूथ बनाए गए हैं जी, 18 मॉडल बूथ हैं जनपद में और हर विधानसभा में एक एक हमारा पिंक बूथ भी है। मैडम, कोई मेडिकल किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है जो गर्मी ज़्यादा है? मेडिकल किट हमारी पोलिंग पार्टीज के साथ भी जाती है और उसके साथ हमने ORS भी रखा है बूथ्स पर, एज वेल एज हीट स्ट्रोक संबंधी जो बेसिक दवाएं होती हैं उसको लेकर के हेल्थ का एक फंक्शनरी हर बूथ के ऊपर नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे सुल्तानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 18,000 के आसपास सुरक्षाकर्मी नियुक्त हैं। यहाँ पे एक दर्जन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व है। अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोलिंग चल रही है, क्लस्टर मोबाइल्स और पुलिस मोबाइल्स अलग से चल रही है, QRTs अलग से बनी हुई हैं। लगातार मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी की व्यवस्था है, जनरल मजिस्ट्रेट, जनरल पुलिस अधिकारी की व्यवस्था है जो लगातार पहुंचित है और इस पूरे एरिया में इंश्योर कर रहे हैं पीसफुल इलेक्शन हो। इसके अलावा
हमारे जो भी बॉर्डर है आज के डेट में जनपद सुल्तानपुर की जो बाकी जिला उसे लगते हैं, इन सभी में अनवरत जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए लगातार चेकिंग ही चलती रहेगी। इसमें अलग से टीमें लगाई गई है और हर बूथों में भी हमारे कवर हैं। जो भी हमारे संवेदनशील बूथ हैं, जैसे ये भी एक संवेदनशील बूथ आप देख सकते हैं जिसमें केंद्रीय पुलिस बल द्वारा आच्छादित है, ऐसे हर ऐसे जो भी क्रिटिकल पोलिंग सेंटर स्टेशन हैं, सेंटर्स हैं, उन सब में स्पेशली पुलिस बल लगाए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, मतदान करेंगे, अपनी मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे और पूरे मतदान एक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। क्या दिक्कत है आप लोगों? हम लोग घंटों से यहाँ खड़े हैं, मशीन बता रहे हैं ख़राब है, और एक मशीन लगी दूसरी वो भी ख़राब है, दूसरी भी लगी वो भी ख़राब है। बूथ नंबर कौन सा है? बूथ नंबर 209। तो लगभग कितने लोग अभी तक वापस? अभी लगभग कम से कम कुछ नहीं 25-30 लोग वापस चले। 7-10 से। तो क्या क्या दिक्कत है आप लोग, कहें मतदान अपना क्यों नहीं कर पाए? नहीं हुआ है, हम लोग अभी कब से खड़े हैं, बाद में पता चला कि है ना लाइन में खड़े थे हम लोग, कुछ बताया नहीं है, बाद में पता चला कि है ना मशीन खराब है, दूसरी मशीन आ रही है। ठीक है, खड़े रहे, दूसरी मशीन भी आई तो वो भी काम नहीं कर रहा है। तो आप अपना मतदान नहीं करेंगे? नहीं जा रहे हैं। टाइम निकाल के हम लोग आए कि वोट करें देश के लिए, भीड़ मत मचाइए। धूप है, कितना शेड भी नहीं डाला है वहाँ पे।